हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथरा फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एंथर ऑफ फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू स्टिग्मा ऑफ सेम, स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर इसमें देखते हैं सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर का मतलब समझते हैं। जो एक प्लांट है, प्लांट में ये इसके लीव्स हो गए, ये यहाँ पर फ्लावर हो गए, ये उसके फ्लावर हो गए, और यहाँ पर ये प्लांट्स दूसरा फ्लावर हो गया। अब ये फर्स्ट फ्लावर हो गया, ये सेकंड फ्लावर हो गया। सेम सेम फ्लावर जैसे जिसमें एंथर, जैसे हिबिस्कस में देखते हैं, हिबिस्कस में जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही में होता है और एक ही फ्लावर में होता है, तो उसमें हम लोग बोल देंगे उसे सेम, सेम फ्लावर हो गया। और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, तो प्लांट तो एक ही है, जेनेटिक्स दोनों के सेम है, जेनेटिक्स सेम है, तो इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ। इसलिए हम लोग एक बार देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर में होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह के होता है, दो तरह से होता है, एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिग्नोगैमी। ऑटोगैमी होता है सेम फ्लावर, अभी मैंने बताया सेम फ्लावर में होगा। जिग्नोगैमी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अलग अलग फ्लावर होंगे सेम प्लांट्स के, जिग्नोगैमी। अब ऑटोगैमी हम लोग देखते हैं ऑटोज, अब इसका मतलब भी एक बार आप समझ लें। ऑटोज मतलब होता है सेल्फ, गैमस मतलब होता है, गैमस मतलब होता है मैरिज, सेल्फ से मैरी करना, सेल्फ खुद से ही शादी करना, ऑटो गैमस। हम लोग इसमें देखते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं ऑटोगैमी के, दो पार्ट। फर्स्ट है जेस्मोगैमस, फर्स्ट जो है हम लोग इसमें देखते हैं जेस्मोगैमस। जेस्मोगैमस को ओपन फ्लावर भी बोलते हैं, और ओपन फ्लावर, और ओपन फ्लावर। उसके बाद वो देखते हैं हम लोग क्रिस्टोगैमस, और क्लोज फ्लावर। क्रिस्टोगैमस और जेस्मोगैमस, जेस्मोगैमस होता है ओपन फ्लावर, क्रिस्टोगैमस होता है क्लोज फ्लावर। ऑटोगैमी में हम लोग दो देखते हैं जेस्मोगैमस और ओपन फ्लावर, क्रिस्टोगैमस और क्लोज फ्लावर। इसका मतलब ही आप लोग ओपन फ्लावर मतलब फ्लावर ओपन होगा, इसका मतलब हम लोग देखते हैं ओपन फ्लावर का क्या मतलब कह रहा है। ये फ्लावर है ये पूरी तरह से ओपन होगा, ये स्टिग्मा है ये पूरी तरह हिबिस्कस में, जैसे हम अड़हुल के फूल में देखते हैं ये ओपन फ्लावर है, हम लोग जेस्मोगैमस बोलते हैं। जेस्मोगैमस, अब क्रिस्टोगैमस की बात करते हैं। क्रिस्टोगैमस में जो होता है, क्रिस्टोगैमस में फ्लावर क्लोज होते हैं, ये है ये क्लोज फ्लावर है। एंथर और स्टिग्मा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी के अंदर होंगे, जेस्मो क्रिस्टोगैमस और क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर जो होगा ये सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों तरह क्रिस्टोगैमस ओपन फ्लावर ऑटोगैमिक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जेस्मोगैमस क्रिस्टोगैमस और क्लोज फ्लावर है, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि वो क्लोज है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं मिरेबिलिस, मिरेबिलिस होता है, इसे बोलते हैं हम लोग फोर ओ क्लॉक प्लांट। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कोमेलिना, कोमेलिना हो गया, ऑक्सेलिस हो गया, वायोला हो गया,
लोग फिर से देखते हैं, सेल्फगैमी में दो ऑटोगैमी और जिप्नोगैमी। ऑटोगैमी दो तरह के होते हैं, चश्मोगैमस आर ओपन फ्लावर। इसका एग्जांपल है मिरेबिलिस, फोर ओ क्लॉक प्लांट। फोर ओ क्लॉक प्लांट इसे जिसे बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस्टा और क्लोज फ्लावर, कोमेलिना, ऑक्जेलिस और वियोला। जिप्नोगैमी एक तरह से हम लोग इसका एडवांस पार्ट देखते हैं, जो जीनोगैमी होता है, जीनोगैमी जो ये क्रॉस पॉलिनेशन में कन्वर्ट्स हो जाता है। जिप्नोगैमी होता है डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, बस एक ही प्लांट रहेगा उसमें अलग अलग फ्लावर पर पॉलिनेशन होगा, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं जिप्नोगैमी। हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट। अब यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं इसे, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट और जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें समझ गए कि एक प्लांट हो गया यूनिसेलुलर। हम लोग देखते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट में जो कारा होता है, कारा प्लांट्स में मोनोसियस एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होता है कारा। कारा प्लांट्स हम लोग समझते हैं, कारा प्लांट्स में जो होता है मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट्स है। मोनोसियस का मतलब होता है, गड़बड़ होगा पूरे पूरे।